हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे और देखिएगा किस अमेजिंग वे से आप एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं और वो भी अपने आप कर सकते हैं। इसे आपको मेमोराइज नहीं करना होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए। तो आज हमें जानना है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसे शॉर्ट में AMU लिखते हैं। इसके बाद हमें जानना क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। हमें क्या करना है, मोल के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब जो डिफिनेशन है वो सब मोल से ही रिलेटेड है। इसी कारण सबसे पहले हमने आपको मोल के बारे में बताया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। हमें क्या करना है, कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक। रिलेशन क्या कहता है मेरा, वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक। हाँ, दिया हुआ क्या है, 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको रिलेशन 1 मान लेंगे। निकालना क्या है, मास निकालना है, मास यहाँ दिया हुआ है, इसे रिलेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट जो होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। फ्रॉम द रिलेशन 1 एंड 2 वी कैन से इतना एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इतना ग्राम, ठीक है। तो देखिए रिलेशन से इतना ग्राम कार्बन इज इक्वल टू इतना ग्राम, इसलिए द मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ इतना एटम्स कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10^23 ग्राम, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम, ठीक है। यानी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मास जो होता है वो कितना होता है, 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम, ठीक है। इसे याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी आता है, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम, ठीक है ना। अब आप जब इतना जानते हैं तो इसी के हेल्प से हम एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करेंगे और एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना, कि आखिर एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं किसे। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए अब हमें जानना है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, शॉर्ट में लिखते हैं AM, ठीक, या सिंपली इसे हम U लिखते हैं, सिंपली U या यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है ना, या सिर्फ यूनिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसे इंडिकेट करते हैं AMU से, है ना। अब ध्यान, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, ठीक है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसे एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हेंस फ्रॉम द डेफिनेशन, हेंस फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन से क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर
करा 1 अपॉन 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 ऑफ कार्बन यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1 अपॉन 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 अपॉन 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अभी मैंने क्या निकाला, देखिए 1 अपॉन 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और देखिए तो 1 अपॉन 12th पार्ट और ये क्या है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन अभी हमने कितना निकाला, तो हम है ना हमने भी कैलकुलेट किया 1.99 × 10⁻²⁷ ग्राम। ठीक है, कह रहा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन अभी हमने कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू कितना निकला था 1.99 × 10⁻²⁷ ग्राम। देखिए हमने क्या किया, इसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 1 AMU is equal to 1 upon 12 into 1.99 into 10⁻²³ ग्राम। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 upon 12 into और 1.99 into 10⁻²³ ग्राम कैसे कैलकुलेट किए थे, इसको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड क्या किए थे 12 upon 6.022 into 10⁻²³। ठीक है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम मास ऑफ 1 एटम कार्बन जो मैंने कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, इसी तरह से, यानी इसके प्लेस पर हम क्या किए, फिर से ये लिख दिए। ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 upon 6.022 × 10⁻²³ इतना एटम्स, यानी इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 1 AMU is equal to, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, इसको डिवाइड कीजिए आ जाएगा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। इसे कैलकुलेट करेंगे 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 1 AMU का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है। ठीक है, हेंस वी कैन से 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, इसे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के प्लेस पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻²³, इससे भी हम क्या करते हैं 1 AMU का नाम देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट होता है, इतना होता है। ठीक है, हेंस वी कैन से 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴। ठीक है ना, अब आप एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए 1 upon 12th पार्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के 12th पार्ट को हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एटॉमिक मास किसे कहते हैं। ठीक है, वो भी एक अमेजिंग है। ठीक है, वो भी आप इजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एटॉमिक मास, अब देखिए एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास। ठीक, अब एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप जानते हैं कितना होता है, 23 यूनिट होता है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 यूनिट होता है। ठीक, अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, 14 यूनिट होता है। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, 16 यूनिट होता है।
ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 यूनिट होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 यूनिट होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यूनिट होता है। ठीक, अब इसी से हम क्या करेंगे, अमेजिंग वे में इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। याद है तो हमने अभी आपको बताया कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो 23 यूनिट होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, 23 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 23 AMU, क्योंकि AMU को सिंपली हम यू लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट सिंपली नोन एज यूनिट। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 into, अभी दिया हुआ यहाँ पर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं किसको, तो 1/12। देखिए अब यहाँ एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनेशन खाली लिख रहे हैं, कुछ नहीं करते। 23 into AMU किसे कहते हैं, अभी बताएं, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 23 into 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक, और देखिए यानी ये क्या निकल रहा है मेरा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, इतना आ रहा है, उसी प्रकार देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत, उसी प्रकार अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट, 14 into यूनिट के प्लस पर क्या लिखेंगे, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए, अभी से हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी से डिफाइन कर रहे हैं। देखिए तो अगर पूछा जाए कि हमें डिफाइन करना है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू 14 times ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू द 14 times ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को अगर डिफाइन किया जाए तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज डिफाइंड एज इट इज इतना टाइम्स हैप्पियर या इतना टाइम्स ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 16 into 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास डिफाइन कैसे करना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज इट इज 16 times हैप्पियर एज कम्पेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यही दिया रहे, अब हम नहीं जान रहे कि किस एलिमेंट के बारे में हमको डिफाइन करना है, किस एलिमेंट का एटॉमिक मास को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन एलिमेंट, किसी अननोन एलिमेंट के बारे में अगर हमको डिफाइन करना है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको पता है, नाइट्रोजन का पता था, सोडियम का पता था, लेकिन अगर यहाँ अननोन एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास हमको पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है, एक्स इंटू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम कार्बन। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक मास ऑफ अननोन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट इज एक्स टाइम्स हैवियर एज कम्पेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए और, ठीक है, अब इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, देखिए हम अब इसी को डिफाइन कर रहे हैं, हैंस वी कैन से वी कैन से एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज। ठीक है, It is equal to, ठीक है, how many times have beer, ठीक है, it is equal to x times have beer as compared to 1/12 part of mass of
वन एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम, ठीक है ना। और देखिए डिफाइन हो गया, और इन अनदर वर्ड, और इन अनदर वर्ड वी कैन से, वी कैन से एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज इट इंडिकेट्स दैट, इट इंडिकेट्स दैट इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, हैवियर इज कंपेयर टू वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट, वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ, ठीक है, कार्बन, ठीक है। यार ये बता रहा है यहाँ पर कि एटॉमिक मास क्या इंडिकेट करता है, ये एटॉमिक मास ये इंडिकेट करता है कि इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट से कितना टाइम्स हैवियर है, ठीक है। एटॉमिक मास को हम खाली डिफाइन करती है, इट इज है ना, इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर का एटॉमिक मास अगर दिया हुआ है 32 यूनिट है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 टाइम्स हैवियर, 32 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू 1 अपॉन 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है, इट इज इंडिकेटेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अब आप एटॉमिक मास को डिफाइन अपने से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं।